ओके, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेकंड पार्ट बचा था उसे देख लेते हैं। बेसिकली अपने पांच कोर्स बचे हुए हैं, पांच चैप्टर बचे हुए हैं, इनमें से इसमें हम पहले तीन ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो इतना स्पेशली जो इस साल दे रहा है 2019 में उनके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। यानी कि एक्चुअली जैसे जो अपना नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनसे एक्चुअल में तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, बट दिक्कत ये होती है कि उनको रट्टा मार जो है वो बहुत कॉस्ट बेनिफिट नहीं देता, रट्टा बहुत मारना पड़ता है उसका। तो अगर आपने उसे कर रखा है तो बहुत अच्छा है, मणिकानंदन से पढ़ लेना उसे या जो भी आपके पास शॉर्ट में सोर्स हो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और राजस्थान पीएससी वाले हैं उनके लिए अलग से सीट मिल जाएगी, तो वो वहाँ पर मुझे एक बार चैट कर दे तो जिससे मैं उस सीट सेंड कर दूँगा। ओके, तो पहले अपने तीन जो चैप्टर है उन्हें देख लेते हैं, नहीं ये समझ लेते हैं ये है क्या। तो पहला तो ये है कि हम जब लकड़ी को काट लेते हैं तो उसे हम सुखाते हैं, यानी कि सीजनिंग, उससे मॉइस्चर निकाल लेते हैं। दूसरा होता है कि उसे हमें ड्यूरेबिलिटी जो प्रिजर्व करना होता है वो है। और तीसरा है कि जो वुड है, तो ये कभी मेजोरिटी में क्या होता है कि हमें जो वुड मिलती है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे इम्प्रूव करनी होती है या उसका कंपोजिशन चेंज करना होता है। तो एक तो वो है, दूसरा प्लाईवुड वगैरह जो है इन्हें कंपोजिट वुड बोलते हैं, तो ये इनको स्टडी करेंगे। तो इस टाइप से बेसिकली तीन चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला अपना आता है वुड सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, जो वुड है उससे मॉइस्चर को रिमूव कर लेना। अब हम मॉइस्चर रिमूव क्यों करना चाहते हैं, उसके पहले पीछे रीज़न ये है कि अगर वुड में मॉइस्चर ज़्यादा है तो जो फंजाई है वो इजीली ग्रो कर जाता है, क्योंकि फंजाई को क्या चाहिए, उस वो फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, तो उसे चाहिए होता है फूड मटेरियल, यानी कि लिग्निन और सेलुलोज मेनली। तो पेड़ के पास, ट्री के पास जो लॉग है आपका, उसके पास पहले से सेल्यूलोज है। दूसरा उसे जो चाहिए होता है वो है वाटर, मॉइस्चर। तो अगर आपकी वुड है वो ग्रीन है, यानी कि उसमें मॉइस्चर है, तो वो उसे वाटर भी सेकंड कंडीशन जो उसे रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है, तो वहाँ पर फंजाई का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसे आप ऐसे देख सकते हो कि जब आपके यहाँ रेनफॉल के सीजन में जो अपनी प्लाईवुड होती है अगर वो कहीं गीली हो जाती तो वाइट वाइट उस पर फंजाई ग्रो कर जाती है इजली। दूसरा मुद्दा, अगर इंसेक्ट अटैक की बात की जाए, तो इंसेक्ट जो सॉफ्ट मतलब जो ड्राई है, सूख गई है वुड, उसके फाइबर को ने कुतरना थोड़ा, जो मॉइस्चर काटना होता है वो थोड़ा टफ़ जाता है, कंपेयर टू अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगी। इसके साथ साथ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सपोज हम वुड का कोई प्रोडक्ट यहाँ से US भेज रहे हैं, तो जो ग्रीन मीन्स जब मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के में हमें ट्रांसपोर्टेशन अगर कॉस्ट घटानी है तो कहीं ना कहीं हमें सीजनिंग करनी होती है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमने वुड को पहले सीजन कर लिया, सुखा दिया, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बिल्कुल अगले 5 साल या 10 साल बाद भी बिल्कुल उसी शेप में होंगे जैसा वो जब बनाए तब होंगे। अदरवाइज अगर हमने वुड को पेड़ काट के लिया और 2 दिन बाद उसे एक टेबल बना दी, तो जब टेबल की वुड सूखेगी तो टेबल ऐसी नहीं रहेगी, धीरे धीरे उसका जो शेप है वो चेंज आ जाएगा, क्योंकि लकड़ी जैसी मॉइस्चर लॉस करेगी उसमें उसकी जो लकड़ी है ये जो आपकी वुड थी वो सिकुड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चर तो लॉस कर ही रही ना, तो फिर ऑब्वियसली आपका टेबल डिफॉर्म होगा, तो फिर जो खरीद के लेके गया वो आपको आकर के गाली देगा। तो इस टाइप के जब वो उसमें जो चेंजेज आएंगे, तो उन चीज़ों ना हो पाए ऐसे चेंजेस, आप चाहते हो कि आपकी जो वुड के जो स्ट्रक्चर है जो भी बनाया है वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो। इसके साथ साथ और क्या होगा, आप जब कोई प्रिजर्वेटिव लगाते हो, यानी कि प्रिजर्वेटिव दो टाइप से यूज करेंगे जो अपना अगला चैप्टर रहेगा। एक तो ये होता है कि वुड जो आपकी है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव को अंदर इम्प्रिग्नेट कर दिया गया, उसके अंदर घुसेड़ दिया गया। ऐसा क्यों करते हैं कि जो अपना इंसेक्ट वगैरह का अगर अटैक हुआ तो उसमें एक लिमिट से ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि जैसे ही वो अंदर उसे कंज्यूम करते हैं वुड, वो पॉइजन से उनकी डेथ हो जाती है। तो अब आप अगर अंदर उसमें पॉइजन को पेनिट्रेट करोगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो अंदर मॉइस्चर है उसे हटा दिया गया। अगर आपने मॉइस्चर नहीं हटाया, मॉइस्चर अगर अंदर है तो फिर जब खाली नहीं है, अंदर स्पेस ही नहीं है, तो फिर बाहर से क्या फिल करोगे इसमें। ओके, और फिर सूखी वुड पर पेंट करना वगैरह थोड़ा आसान चला जाता। अब इस चैप्टर को यहाँ हम लगभग 5 बेसिक टॉप पार्ट में डिवाइडेड कर देते थे। इसमें जो पहला जो इंट्रोडक्टरी थी वो अपन देख चुके हैं,
दूसरा मुद्दा आता है सीजनिंग डिफेक्ट, मतलब इसमें अपन ये देखना कि जब एक लकड़ी सूखती है और अगर प्रॉपरली नहीं सुखाया गया तो उसमें किस टाइप के डिफेक्ट आएंगे। तो पहला तो एक है नॉर्मल में, जैसे अपन जो देखते हैं श्रिंकिंग और स्वेलिंग, इसे कैसे समझ सकते हो? अगर लकड़ी को ऐसी सूखे में रख दोगे तो वो सिकुड़ेगी, वो है श्रिंकिंग। और अगर लकड़ी को पानी मिल जाएगी, जैसे कि बरसात के टाइम पे अपने जो गेट वगैरह होते हैं, दरवाजे हैं, विंडो हैं, ये गीले हो जाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है इनमें, तो वो गेट बंद नहीं होते फिर, तो वो हो गई स्वेलिंग और श्रिंकिंग। एक तो ये नॉर्मल हो गया। दूसरा क्या है कि सपोज वुड के आपने जो फट्टे नहीं होते अपने पटिए टाइप के, इस टाइप के आपने बना रखे हैं, अब उसके ग्रेन के साइज के अकॉर्डिंग, उनमें जो ग्रेन के साइज हैं यानी कि जो फाइबर है लकड़ी के, तो सिकुड़ना होगा तो फाइबर में बहुत ज़्यादा चेंज जाता है। तो जैसे ही फाइबर सूखेंगे, आसपास के जो सेल है उनकी सिकुड़, जैसे ही वो सूखेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई ज़्यादा सिकुड़ रहा है, कोई कम सिकुड़ रहा है, क्योंकि वुड का जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं होता कि पूरी पूरी वुड में वाटर का जो कंटेंट है वो हर जगह एक ही जैसा होगा। जहाँ लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है वहाँ वाटर मॉइस्चर कंटेंट कम है, यानी कि जो हार्ड वुड है सेंट्रल जो रीजन होता है वुड का उसमें लिग्निन सुबेरिन कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जनरली कम होता है, जबकि जो सैप वुड है वहाँ ज़्यादा होता है। तो अगर आपने जो वुड काटी है, जो आपके फट्टे बन रहे हैं, वो अगर इस टाइप से है कि उनमें सॉफ्ट वुड मीन्स हार्ड वुड और सैप वुड दोनों का कंटेंट है, दोनों की पार्ट है, तो जब वो सीजनिंग होगी उसमें, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी कि उसमें टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो जैसे कपिंग बनना है, मतलब दोनों साइड से उठ के कप के टाइप के बनना है, या ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्टिंग की कंडीशन वो है कि जिसमें इसका ये वाला प्लान और ये वाला प्लान दोनों एक ही प्लान में नहीं है, ठीक है। तीसरा जैसे क्रैकिंग या स्प्लिटिंग है, तो इस टाइप की कंडीशन आएगी। बका कि आपको वहाँ पर जो चार पांच है इनको इम्पोर्टेंट ही है, इन्हें याद ही रखना है, ये जनरली क्वेश्चन आ ही जाते हैं मेंस में, पहले भी दो तीन बार आए हुए हैं। तो ये इसके जो डिफेक्ट है उन्हें देख लो। सीजनिंग डिफेक्ट के साथ साथ आपको एक बार और पूछा जाता है जो टिम्बर डिफेक्ट होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पहले आसपास जो चैप्टर था वहाँ पर आपने पढ़े थे, जिसमें जैसे होल वगैरह बना रखे थे, ग्रेन के साइज वगैरह पढ़ोगे, बटरेसिंग थी, तो टिम्बर के जो डिफेक्ट थे उनसे रिलेटेड थे, और ये सीजनिंग डिफेक्ट है। इन दोनों को थोड़ा दिमाग में अलग रखना है और इन्हें भी याद रखना है। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट सीजनिंग बिहेवियर। देखो लकड़ी जो होती है वो तीन टाइप की होती है। एक ऐसी होती है, इसे हम बोलते हैं हाईली रिफ्रैक्टरी वुड, मतलब देखो एक लकड़ी तीन टाइप की है, मतलब एक ऐसी है जिसे कहीं भी फेंक दो, कैसी भी पड़ी रहे वो आराम आराम से सूखती है, उसमें कोई क्रैक क्रैक जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये इन्हें हम बोलते हैं नॉन रिफ्रैक्टरी वुड। ये नॉन रिफ्रैक्टरी वुड जो होती है इनका क्या कैरेक्टर है, इन्हें तुम कहीं भी फेंक दो आराम से सूखती रहती है, इनमें कभी क्रैक वगैरह नहीं आते हैं, तो इन्हें हम आराम से एयर सीजनिंग ऐसी हवा में छोड़ दो, इन्हें कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे सी मॉइस्चर लॉस करती हैं, तो इनकी आउटर और मतलब बाहर से जितनी मॉइस्चर लॉस करेंगी उतनी अंदर से करती हैं, आराम से करती हैं नॉन रिफ्रैक्टरी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे, तो नॉन रिफ्रैक्टरी में ऐसी वुड्स आएंगी जो लाइटर हों। लाइटर मतलब देखो जो ट्रॉपिकल की है, जिनमें हार्डवुड और सैपवुड जैसी स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती हैं, यानी कि अपनी जो हैवी वुड होती है, तो इनके साथ क्या होता है कि दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेंटर की हार्डवुड और बाहर की सैपवुड, तो दोनों में डिपोजिशन में फ़र्क है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बाहर की वुड तेज़ी से सिकुड़ती है, अंदर की नहीं, तो इनमें क्रैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम जो ट्रॉपिकल के हैं, ट्रॉपिकल जैसे टीक है, साल है, इन्हें जनरली हम रख देते हैं रिफ्रैक्टरी वुड यानी कि हाईली रिफ्रैक्टरी वुड में। दूसरा कॉनिफर्स जो है, इनके यहाँ ये हार्डवुड और सैपवुड का कॉन्सेप्ट लगभग एक सा ही होता है, इनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, तो ये लगभग होता ही नहीं है ऐसा समझ लो। दूसरा इनके साथ क्या है कि इनमें जो गम डिपोजिशन, जैसे पाइनस में पाइन चिड़ पाइन है, उसमें रेजिन के लिए तुम टैपरिंग करते हो, तो वहाँ पर क्या क्या है बीच में, रेजिन डक्ट, रेजिन कैनाल, तो इस टाइप का जो लैटिसीफेरस टिश्यू होगा वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर को पहले से ही उसने या तो टैप कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है,
या फिर पहले से ही मॉइस्चर कम है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली वो वुड को अगर तुम नेचुरल में भी रख दोगे तो उसके इस टाइप से मॉइस्चर लॉस करने, क्योंकि या तो उसमें पहले से मॉइस्चर कम है तो ऑब्वियसली वो मॉइस्चर बहुत स्लो कर पाएगा, दूसरा इस टाइप का जो ऑयली कंटेंट है लेटेक्स रेजिन जैसी चीज़ें ये उसे आसानी से मॉइस्चर लॉस करने नहीं देती, बहुत आराम आराम से होता है। और मैंने जैसे बताया कि उसमें हार्ट और सेफ्ट फूड जो मतलब लाइट और डार्क पार्ट है उसका डिफरेंस लगभग ना के बराबर हो जाता है, तो मतलब जैसी वुड बाहर है वैसी अंदर है, तो अगर सिकुड़ेंगी तो दोनों सिकुड़ेंगी एक सी, तो उसमें जो नॉन रिफ्रैक्टरी कैरेक्टर टाइप की हो जाती है तो ये कॉनिफर्स में आ जाता है जनरली। उसमें एक एग्जाम्पल है आपका एबिज पिंड्रो, और हाईली रिफ्रैक्टरी मैंने बोल दिया जैसे साल है टीक है इन्हें डाल देना। तीसरा है मॉडरेटरी, मतलब अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मतलब ये दोनों के बीच में है ठीक है, ये मॉडरेटली क्रैक अगर इनकी सीजरिंग करते हैं तो इसमें मॉडरेटली पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें क्रैक आ जाए। अब इसका करना क्या है, जो एमसीक्यू वाले देने हैं वो कम से कम जो फेमस हैं स्पीसीज हैं उनके चार चार पाँच पाँच एग्जाम्पल याद रखने हैं, लेकिन आईएफएस वाले इसको अगर छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वाले कम से कम इनके एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब देख लेते हैं प्री सीजनिंग ट्रीटमेंट, इस साल वालों को तो ये 2019 के आईएफएस वालों को इसे देखना ही नहीं है। ये प्री सीजनिंग ट्रीटमेंट एक्चुअली है क्या, जो सीजनिंग है लकड़ी को सुखाने का जो काम होता है वो हम जहाँ सीजनिंग को जो आपने पढ़ा है केवल वही नहीं होता है, सीजनिंग की प्रोसेस तो हम एक्चुअली उससे बहुत पहले से शुरू कर देते हैं जिसमें टिम्बर को गार्डलिंग करने का ही से स्टार्ट होता है। गार्डलिंग क्या है, टिम्बर की जो बार्क है उसे रिमूव कर दोगे, उससे क्या होगा कि ऊपर से जो फूड बन के आ रहा था प्लांट में जो उसका अपर पार्ट है वहाँ से जो फूड बन के आ रहा था वो फूड नहीं आ पाएगा, तो ये रूट जो है रूट वाला जो जोन होगा ये भूखे नंगे मर जाएंगे, क्योंकि इनको क्या नहीं मिलेगा फूड। तो नीचे से जो वाटर सप्लाई हो रहा था वो कुछ टाइम बाद वो वाटर सप्लाई भी बंद हो जाएगा, तो इस टाइप से जब वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा तो प्लांट का जो अपर पार्ट है उसे कहीं ना कहीं मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे हो जाएगा कम, और इसका रिजल्ट ये होगा कि वो धीरे धीरे सूखने लगेगा। वाटर सबमर्जन भी एक ऐसी बूट जिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता पानी का, तो उन्हें प्रिजर्व करने के लिए स्टोरेज करने के लिए वाटर सबमर्जन जैसा एक मेथड यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला कि इन्हें छोड़ना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आगे चलते हैं, अब मेन मुद्दा आता है अपना सीजनिंग के मेथड, क्या हम एक्चुअल में सीजनिंग करते कैसे हैं। तो सीजनिंग के चार टाइप हैं, एक है एयर, एयर का मतलब है आपने अपनी लकड़ी को ना सीधे उठा करके हवा में छोड़ रखा है, जैसे आपने जनरली देखा हो कि आपने अपने घर घर के आसपास कहीं घर में ही रख दिया ऐसे, तो एयर में क्या होगा कि बाहर का जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी है वो यूजली कम है आपकी वुड के अंदर जाता है, तो धीरे धीरे आपके वुड से जो मॉइस्चर है वो लॉस होती रहेगी, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरी है क्लीन सीजनिंग, अब देखो एयर सीजनिंग में जो वुड सूख रही है उसे लग रहा है 4 to 6 months, अब जो इंडस्ट्री है फैक्ट्रियां हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री है तो ये 6 months के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगी, तो उन्हें चाहिए कि वुड जो है वो तेज़ी से सूखे और उन्हें जो स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए मॉइस्चर वो मिल जाए, क्योंकि एयर सीजनिंग के साथ दिक्कत ये होती है कि आपने मान के चलो बरसात में रख रहे हैं तो पूरी गर्मियां सूखी, लेकिन जैसी बरसात आई एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वुड क्या करती है कि उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इस टाइप की समस्याएं उसमें रहेंगी कि आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, या जिस लेवल तक मॉइस्चर को नीचे गिराना चाहते हो एयर सीजनिंग कभी उतनी नहीं दे पाती है, जबकि क्लीन सीजनिंग आपको जो चाहिए आप कंट्रोल एनवायरनमेंट कर रहे हो तो उसमें मिल जाता है। फिर बाद में केमिकल और साल्ट भी आएंगे, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं अपन एयर सीजनिंग, मैंने जैसे बोल दिया आपको कि लकड़ी को सीधी हवा में छोड़ दोगे और हवा के साथ जो मॉइस्चर डिफरेंस होगा उसके साथ सूखती रहेगी। तो जब एयर सीजनिंग करते हैं तो यहाँ पर अपने पास दो इशू आते हैं, पहला तो इशू ये आता है कि अब जब आप हवा में सुखा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में आसानी से सूख जाए, आपने ओपन तो कर दिया लेकिन कभी हवा तेज़ चल रही है कभी नहीं चल रही है कभी बरसात हो गई तो उसे प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा, अगर बरसात में ऐसी खुली रखी रहेगी तो क्या होगा ऊपर से पानी गिर जाएगा तो सीजनिंग का क्या फ़ायदा, वो तो जितना मॉइस्चर लॉस नहीं किया था उससे ज़्यादा उसे मिल गई, तो हम उसे सेड वगैरह दे देते हैं टीन सेड वगैरह लगा दिया, और फिर गर्म हवा कोल्ड हवा जी ज़्यादा ना मिल जाए
तो इस टाइप से हम थोड़ा मेंटेन करते हैं उसे कि हवा एक लिमिट में ही मिले, इससे ज़्यादा ना मिले, जिससे कि उसकी सीजनिंग जो है वो आराम आराम से और सभी पार्ट में उसके में इक्वालिटी से हो, जिससे ऐसा ना हो कि बाहर के पार्ट ने तेज़ी से किया, अंदर ने किए निकल नहीं पाए तो क्रैक आ जाए। दूसरा मुद्दा होता है कि जब हम सीजनिंग के लिए रखते हैं तो इसे कैसा रखा जाए। तो एक मुद्दा है कि हम चलो इसे हॉरिजॉन्टल फट्टी में रख लेते हैं या फिर वर्टिकल स्टॉकिंग रहते हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि हॉरिजॉन्टल में रखोगे तो लकड़ियों के बीच में स्पेस बहुत कम होगा, एयर स्पेस, जबकि वर्टिकल के में आपको ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। तो ऐसी लकड़ी या वुड जो मतलब आप ट्रॉपिकल में कर रहे हो, पैसा क्लैन का है नहीं आपके पास, एयर सीजनिंग ही करना चाहते हो, तो जो हाईली रिफ्रैक्टरी वुड हैं उनको हम जनरली हॉरिजॉन्टल में रखेंगे और जो मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी वुड हैं उन्हें वर्टिकल में रख लेंगे, जिससे क्योंकि ये तेज़ी से मॉइस्चर छोड़ सकती हैं और इसके बाद भी इनमें क्रैक आने की चांसेस कम है, तो अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो ये काम कर जाती है। ठीक है, अब मुद्दा आता है अपना किलन का। किलन का मतलब क्या? कंट्रोल। जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री या हवा वाले पे तो डिपेंड नहीं रहेगी, तो वो क्या करेंगे, एक चैम्बर बनाएंगे, चैम्बर के अंदर ये लकड़ियों को संभाल के रख देंगे और क्या करेंगे उसमें जो एयर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी है, मतलब ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर, इन सबको वो पूरा कंट्रोल करके चलते हैं। तो डिफरेंस जो है, मतलब अगर पहले वाले में देखा जाए तो पहले सपोज वुड में मॉइस्चर 80% थी, एयर में 60%, तो जो डिफ्यूजन होता वो 20% के अकॉर्डिंग होता था। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब पूरा कंट्रोल है तो चैम्बर के अंदर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे और ह्यूमिडिटी घटा देंगे बहुत दर तरीके वाली। तो अगर हमें तेज़ी से सुखानी है तो आराम से जिस हिसाब से हमें सुखानी है हम पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट है आसानी से कर लेते हैं। फिर इसमें यह भी आ जाता है कि अगर वुड रिफ्रैक्टरी है तो फिर हम जो टेम्परेचर और उसके बीच के जो वेरिएशन वो धीरे धीरे कम करेंगे, और अगर नॉन रिफ्रैक्टरी है तो फिर बहुत थोड़ी जल्दी तेज़ी से करके हम उसे निपटा लेते हैं। तो इसके साथ इशू एडवांटेज ये होता है कि हम वुड में उस लेवल तक मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं जिस लेवल तक हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से इफेक्ट नहीं है, तो हम साल भर में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसके लिए आपको बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगता है, जहाँ एयर में कुछ नहीं चाहिए, केवल जगह पर रख दो, यहाँ पर आपको पैसा लगता है, हीट के लिए आपको एनर्जी कंज्यूम होती है, मीटर पूरा सिस्टम चलता है। अब मुद्दा इसके आते हैं कि इसके कुछ टाइप होते हैं, तो दो टाइप हैं इसके, या स्टीम हीटेड और फर्नेस किलन। तो देखो पहला है स्टीम हीटेड, इसमें नाम क्या है, आप हीट तो दे रहा है लेकिन वो स्टीम भाप दे रहे हो। अब ये भाप कैसे दोगे, जैसे आपने अपने यहाँ वो चलाते हैं हीटर सर्दियों में, तो इसी टाइप से इसमें दोस्त इस टाइप के, जैसे आपने हीटर लगा दिया, यहाँ पर बीच में लगा दिया फैन, तो फैन क्या करेगा, इसकी हीटर की जो हीट है उसको इस घुमाएगा, वो यहाँ से मूव करके सीधा सर्कल में घूमती रहेगी। ठीक है, ये घूम गई। अब ये जो इस टाइप से जो घूमती रहेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये वुड से तो निकल रही ना, तो जो आपको कंट्रोल चाहिए था टेम्परेचर, आप बिल्कुल वही उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हो। इसका एक बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक तो आपका सीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आप वुड जब जैसी सुखानी है उस हिसाब से सुखा लेते हो। दूसरी क्या होती है कि यहाँ ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वुड हाईली रिफ्रैक्टरी है या नॉन रिफ्रैक्टरी है, क्योंकि अब वुड का जो टेम्परेचर, देखो जो हाईली रिफ्रैक्टरी है उसका जो टेम्परेचर या मॉइस्चर जो डाउन करना होता है, मॉइस्चर जो निकालनी होती है वो बहुत धीरे धीरे निकालनी होती है, क्योंकि उसके अंदर और बाहर के पार्ट का जो सीजनिंग है, यानी कि मॉइस्चर जो लॉस है, वो एक साथ बराबर बराबर होना चाहिए। तो इस टाइप से जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है हाईली रिफ्रैक्टरी को, उसे हम यहाँ पर बेटर तरीके से दे पाते हैं, तो हाईली रिफ्रैक्टरी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से होती है। ओके, तो ये हुआ अपना स्टीम हीटेड, जहाँ आप स्टीम से सीधी हीट दे रहे थे। दूसरा होता है फर्नेस। फर्नेस का मतलब आग जलाना, वो जो अपने ब्लास्ट फर्नेस वगैरह इस टाइप के टर्म सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम आग जला रहे हो सीधा कोयला। तो फर्नेस को हम वापस दो टाइप से डिवाइडेड कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ज़्यादा याद न रहे तो कोई मुद्दा नहीं है इसका। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया कि दो चैम्बर बनाए, ये वो चैम्बर है जिसमें आपने सीजनिंग के लिए लकड़ी रखनी थी, और दूसरा चैम्बर है जिसमें आपने आग लगा दी,
इन दोनों चैम्बरों को आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो हीट बन रही है और जो आग धुआं बन रहा है, दोनों के दोनों यहाँ आ रहे हैं, मतलब गरम गरम हवा और धुआं दोनों के दोनों सीधे के सीधे आ रहे हैं यहाँ। ये है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट से बेनिफिट क्या है, सीधी की सीधी हीट आ रही है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई सिस्टम खड़ा नहीं करना पड़ा। लेकिन नेगेटिव ये है कि जो धुआं आया वो सीधी की सीधी आपकी लकड़ी के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और लकड़ी के आउटर सर्फेस को क्या करेगा, काला कर देगा वो। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट फर्नेस को भी यूज कर लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, सेम मेथड वही है, आपका ये जो चैम्बर था ये वही चैम्बर है पुराना वाला, ये नया वाला है, लेकिन इनके बीच में ये जो सिस्टम लगा रखा है वो इस टाइप से समझ लो कि जैसे इससे पहले वाले चैम्बर से जो हीट आ रही थी वो गोल गोल घूम करके वापस उसी चैम्बर में चली गई, और दूसरा जो चैम्बर था वो एक दूसरे पाइप से था जो हीट को ट्रांसफ़र कर दिया इसने पाइप से। तो यहाँ पर एक सिस्टम की हीट दूसरे सिस्टम की हीट तो एक्सचेंज कर लेते हैं बीच के पाइप के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते, तो जो धुआं जा रहा था वो नहीं जा पाता। तो ये तुम्हारा इनडायरेक्ट हीटिंग हो गई और डायरेक्ट हीटिंग किसके, फर्नेस के, और स्टीम हीटेड तो आपको आ ही गया। तो यहाँ पर अपना मुद्दा हो गया क्लन सीजनिंग का, वो समझ में आ गया। अब एक बार डिफरेंस आता है एयर सीजनिंग और क्लन सीजनिंग का, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। एयर सीजनिंग आपने पता है कि बहुत स्लो प्रोसेस होती है और इस पर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और क्लन तो भाई क्विक है, इन्वायरमेंट से कोई लेना देना है नहीं। तो अब आपसे अगर बोला जाए टेक्निकल या इकोनॉमिकल, तो एयर सीजनिंग में कौन सी इकोनॉमी, वो तो रख दो सूखती रहेगी, लेकिन क्लन सीजनिंग के लिए आपको पैसा लगेगा, क्योंकि हीटिंग के लिए जो पूरा सिस्टम होता है आपको पूरी एक सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये क्लन सीजनिंग एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सीजनिंग के टाइम पे इंसेक्ट पेस्ट वगैरह कोई अटैक करे, तो एयर सीजनिंग में तो 6-6 मंथ पड़े रहते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबल होती है कि फंजाई या इंसेक्ट अटैक कर दें। क्लन में तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो तो जो 6 महीने में होता है वो यहाँ 15 दिन में निपट जाएगा। तो ये बकाए के डिफरेंस ऐसी खाली पीली की चीज़ है, समझ लेना तो एक बार लिखने में आसान होगा। अब मुद्दा आता है तीसरा, साल्ट सीजनिंग। देखो ऐसी वुड जो हाईली रिफ्रैक्टरी है, यानी कि उनकी आउटर कवर जो है वो तेज़ी से मॉइस्चर लॉस कर रही कंपेयर टू उनके सेंट्रल वाले रीजन के, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लकड़ी को सुखाने से पहले एक बड़ा सा पॉन्ड बनाते हैं, तालाब या हौद, उसमें घोलते हैं नमक साल्ट को, और ये लकड़ी को ना उठा के उस साल्ट में डाल देते हैं, 4-5 घंटे तक पड़ी रही। तो साल्ट क्या करेगी, उसका जो आउटर जो पार्ट है वुड की, जो आउटर की जो कैविटी होंगी आउटर कवर में, या उसकी जो आउटर जो कुछ मिलीमीटर का जो रीजन होगा वुड का, उसमें ये साल्ट पार्टिकल घुस जाएंगे। उससे क्या होगा कि देखो साल्ट पार्टिकल है ना, वो मॉइस्चर को पकड़ के रखते हैं, तो अगर आपने एक बार उसको साल्ट ट्रीटेड कर दिया, इसके बाद जब आप सुखाओगे, तो देखो इनर वाला पार्ट उसे तो साल्ट मिला नहीं, वो तो अपनी स्पीड से मॉइस्चर लॉस कर रहा है, और जो आउटर पार्ट जो तेज़ी से कर सकता था वो साल्ट पार्टिकल कहीं ना कहीं उसे ब्लॉक कर रहा है, तो उसकी स्पीड गिर गई। तो अंदर वाले की पहले मान के चलो बाहर की स्पीड 40 थी, अंदर वाले की 10, अब अंदर का तो 10 ही रह गया, लेकिन बाहर वाला 40 की जगह 15 पे या 10 पे आ गया, तो इस टाइप से जो मॉइस्चर लॉस है वो इक्वल हो गया। तो कहीं ना कहीं साल्ट सीजनिंग ने जो हाईली रिफ्रैक्टरी वुड है उसके क्रैक होने से बचा लिया। अब चौथा लेते हैं, वो है केमिकल सीजनिंग। इसमें क्या करते हैं, जनरली इस टाइप का एक चैम्बर होता है बड़ा सा, हमें जो वुड को सुखाना होता है हम इसे उस चैम्बर में डाल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ 2-3 मेथड होते हैं ट्रीटमेंट के, इन्हें सबको देखने की अपनों को ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिक बता देता हूँ। पहला तो ये क्या कर देते हैं कि इस चैम्बर को बंद करके इसे वैक्यूम कर देते हैं, तो अब वुड की जो अंदर की कैविटी है वहाँ पर जहाँ मॉइस्चर है वहाँ का तो प्रेशर जो होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, जबकि बाहर इन्हें जीरो कर दिया या निगेटिव में कर दिया, मतलब जीरो से तो नीचे जाएगा नहीं, जीरो कर दिया, तो होगा क्या, अंदर से पानी होगा और जो भी मटेरियल होगा कंटेंट पूरा का पूरा बाहर निकलने लगेगा,
और वो एक बार अगर लकड़ी से बाहर आ गया, लकड़ी तो उठी किसी स्टैंड पर रखी होगी और वो पानी से टपक के कहाँ आ जाएगा, इस चैम्बर में नीचे की साइड में। तो इस टाइप से वो मॉइस्चर अंदर की हम पानी इस टाइप से वैक्यूम करके निकाल लेते हैं। दूसरा क्या कर देते हैं कि इस चैम्बर में लकड़ी को डालने के बाद केमिकल ट्रीटेड जो पानी है, मतलब वाटर है जिसमें केमिकल भर रखा है, उस केमिकल को हम इसमें फिलअप करते हैं और इस पूरे चैम्बर में प्रेशराइज करके पानी को भर देते हैं जिसमें केमिकल भर रखा है। तो क्योंकि अंदर का तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और बाहर हम उससे 5-6 गुना ज़्यादा प्रेशर करते हैं, तो ये केमिकल ट्रीटेड जो वाटर है वो उसके अंदर तक घुसता है और फिर इसके बाद हम फटाक से तेज़ी से हम इसको वैक्यूम कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो केमिकल है वो तो वहाँ रह जाता है और पानी पूरा निकल आता है। तो इस टाइप से हम लकड़ी के अंदर केमिकल तो जो सीजनिंग बाद में जो करते हैं वो कहीं ना कहीं हम यहाँ साथ में कर लेते हैं। तो केमिकल अंदर जो हम चाहते थे वो अंदर का अंदर रह गया लकड़ी के अंदर और पानी उसका बाहर निकल आया जब हमने वैक्यूम कर दी। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं केमिकल सीजनिंग। तो यहाँ पर जो अपना सीजनिंग वाला इशू था वो कहीं ना कहीं अपना कंप्लीट हो गया। अब मुद्दा आता अपना सीजनिंग हो गया, अब अपना आ गया वुड को प्रिजर्व करना, सुखा ली लकड़ी। अब आपको लकड़ी को बचा के रखना है क्योंकि आपको लकड़ी 25 साल या 40 साल के लिए यूज करना है। अगर ऐसी छोड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े अटैक कर देंगे और उसे बर्बाद कर देंगे, या मौसम का इम्पैक्ट पड़ गया तो बर्बाद हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन के देखा जाए तो लगभग आए हुए हैं। मैंने आपसे बोला ये जो 3 चैप्टर हैं इनसे लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। मेन मुद्दा अपन देखते हैं प्रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, वो ये कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाए। आप ये चाहते हो कि उसकी जो केमिकल है, देखो प्रिजर्व का मतलब केवल हमें इतना ही नहीं है कि हम लकड़ी को बस उसकी उसकी एज बढ़ा लें, हाँ प्रिजर्वेशन के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं केमिकली कि मतलब एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब एज बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर के इम्पैक्ट या एटमॉस्फेयर के साथ जो रिएक्शन हो रहा था वो ना हो और कीड़े मकोड़े उस पर अटैक ना कर पाए। तो कैसे करोगे, कोई केमिकल उसके ऊपर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तीसरा हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमने ट्रीटमेंट किया तो कम से कम उसकी वुड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाए उस केमिकल से तो और अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग और बढ़ जाए वो, या उसकी वर्किंग एबिलिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। जिससे हमें क्या करना ना पड़े, वुड को अक्सर जो रिप्लेस करना पड़ता है वो ना करना पड़े। रिप्लेस कैसे, इसका जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ब्रिटिश के टाइम पे था, क्योंकि उनके टाइम पे जैसे आपके जो इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, खम्भे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के, वो उनके लकड़ी के होते थे। इवन उनके तभी नहीं अभी भी होते हैं, क्योंकि जो कोस्ट ये जो कोल्ड एरिया है यूरोप के, वहाँ पर इस टाइप के जो लकड़ी है वही ज़्यादा यूज की जाती है, अपने थोड़े दिक्कत देते हैं। अब आगे आ जाते हैं, तो वुड प्रिजर्वेटिव जो है यानी कि केमिकल। तो देखो प्रिजर्वेशन जो है वो एक प्रोसेस है, आप यहाँ पर ये पढ़ोगे कि हम कैसे कैसे प्रिजर्वेशन को करेंगे, यानी कि प्रिजर्वेशन के मेथड क्या होंगे। लेकिन जब प्रिजर्वेशन करोगे तो उसमें कुछ केमिकल तो यूज करोगे ना, तो उन्हें बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर वुड प्रिजर्वेटिव यानी कि केमिकल जो है वो कौन कौन से हैं और एक आइडियल केमिकल कैसा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है IFS के लिए, वैसे भी है लेकिन IFS वालों के लिए रिटर्न के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए। तो देखो कोई भी प्रिजर्वेटिव हो, हम ये चाहते हैं कि फंजाई या इंसेक्ट अटैक ना करें उस पर, क्योंकि सबसे बड़ा यही देते हैं लॉस। तो जो प्रिजर्वेटिव है वो हाईली टॉक्सिक होना चाहिए पहली बात, नहीं तो टॉक्सिक नहीं हुआ तो फिर इन्हें क्या फ़र्क पड़ा, ये तो खाते ही रहेंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि हमारी लकड़ी जिस पर हमने ये टॉक्सिक घुसेड़ दिया उसके अंदर या पेंट कर दिया और बारिश वगैरह हो गई तो वो उसके अंदर से बह के चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रिजर्वेटिव है वो इजिली लीच नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ परमानेंट टाइप का जुड़ जाए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि ये प्रिजर्वेटिव है वो वुड के इंसेक्ट के लिए तो हानिकारक, लेकिन अच्छा है कि अगर ये इंसान के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में रहती है, और इसका मुद्दा है कि वो इस पर भी इम्पैक्ट होगा। जैसे कि जो जिंक और कैडमियम जैसे जो हैवी मेटल का जो यूज था इनमें, उन्हें आज क्यों प्रिवेंट कर दिया गया,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रिजर्वेटिव है, वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं। ये जो लकड़ी होती है, जो प्लाईवुड है जिसमें इन्हें यूज कर दिया, कहीं ना कहीं जब यूज होने के बाद जब ये लकड़ी बर्बाद हो जाती है, जो अपने घर के जो वुड प्रोडक्ट होते हैं इन्हें फेंक दिया जाता है, तो ये कहाँ जाते हैं, नदी नाले में, और वो फिर टॉक्सिसिटी वहाँ पहुँचाते हैं। तो मीन्स इस टाइप की केमिकल होना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग या इस टाइप के इकोसिस्टम के लिए लॉस ना पहुँचाए, बस केवल उसकी पर्टिकुलर इंसेक्ट वगैरह को बहुत खाए। तीसरा, ये ऐसा भी नहीं कि महंगे पड़े और हमें US से इम्पोर्ट करने पड़े, सस्ते हों, आसानी से अवेलेबल हो। और इसके साथ साथ अगर ये लकड़ी जो है जिसमें अपन इन्हें यूज कर रहा है, अगर उसकी जो जलना होता है, इनफ्लेमेबिलिटी होती है, आसानी से आग पकड़ लेना, उसको घटाएं ना कि उसे और बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि लकड़ी में तो तुम वैसे माचिस छूओगे नहीं लगेगी, लेकिन तुम उसमें पेट्रोल लगा के चले आओ तो वो जल नहीं भी जलती होगी, वो भी जलना लगे। तो इस टाइप की ना हो। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान दोगे कि जो केमिकल है, क्योंकि कोई भी आपका प्रोडक्ट हो वो बिना कोई मेटल के यूज के ना होता है, कहीं ना कहीं कीलें लगी होती है उसमें, तो आप चाहोगे कि मेटल को कोरोड ना करता हो, ठीक है। और ये कोई गंद अंद ना फैलाता हो, नहीं तो पता पड़ा जिसके घर में लगा वो तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि बदबू बहुत आती है। तो एक जो आइडियल प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए, या आइडियल प्रिजर्वेटिव की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो थी। अब हम प्रिजर्वेटिव के टाइप देख लेते हैं। तो पहला, हम तीन टाइप होते हैं जनरली, एक जो ऑर्गेनिक, दूसरा वाटर और तीसरा ऑयल टाइप का। यानी कि पहला ऑयल है, दूसरा वाटर और तीसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तीन टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो अगर ऑयल का बोले तो आपने आजकल कौन सा ऑयल सुनते हो, एक ही है, पेट्रोल वाला ऑयल ही तो है, डीजल ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल। तो ये डीजल या पेट्रोल जब निकलता है तो इसके बाद जो रिफाइनरी में लास्ट में जो बचा रह जाता है, जो टार बोलते हैं, या तो उसे कोल टार बोलते हैं, या उसी को एक दूसरा जो उसी से रिलेटेड टर्म है वो है क्रियोसोट। ये दोनों लगभग एक सी प्रोडक्ट है और दोनों रिफाइनरी के प्रोडक्ट हैं, जो पेट्रोल डीजल निकलने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं क्रूड ऑयल के, वो है। तो ऑयल के ही है ना, तो ये ऑयल टाइप के हैं प्रिजर्वेटिव। अब भाई एडवांटेज ये है कि सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि रिफाइनरी का एक टाइप से एक बाई प्रोडक्ट है लास्ट का। बकाया के इसके कैरेक्टर तो आप कुछ नोट्स में भी देख लोगे, और बकाया के तो जानते हो क्या है। लेकिन ये इतना डेंस होता है कि इसे हम वुड के ऊपर से तो पेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम वुड के अंदर उसे इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ, क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अगर अपन वाटर सॉल्युबल देखें तो देखो, ऑयल टाइप के तो हम वाटर में घुल नहीं सकते, तो इसमें जनरली किस टाइप के आएंगे, सीधे सीधे टाइप के केमिकल होंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, मरकरी क्लोराइड है, और SQ1 है। तो पहले एक्चुअली क्या होता था, पहले जो लोग बनाते थे वो सिंपल सिंपल से केमिकल थे, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, मरकरी क्लोराइड है। जैसे यहाँ पर एक हैवी कॉपर ग्रीन के नाम से है, ये कॉपर सल्फेट का था, ठीक है। बाद में क्या किया गया कि ये देखो एक पॉइजन है, वो किसी दो चार इंसेक्ट पर तो बहुत अच्छा अटैक करता है, लेकिन सब पे नहीं करता। तो बकाया के जब कोई दूसरे वाले गांव के आ जाते हैं तो वो अटैक करते हैं, तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनका। तो इस टाइप से फिर बाद में सोचा गया कि एक काम करो, हम एक ऐसी कायम चूड़ की गोली बनाते हैं जो सभी टाइप के दुश्मनों को एक साथ में निपटाए। तो वो बनाया गया एस्कू। एक बार अभी रिसेंट में भी पूछा गया, पिछले 6 ईयर में, और इससे पहले भी पूछा जा चुका है कई बार, क्योंकि ये थोड़ा आज के टाइम पे जो सबसे फेमस है, ये बोलो कि जो ऑयल सॉल्युबल टाइप में जो सबसे जो कॉमन है वो एस्कू ही है। ऐसा इसलिए कि जो कॉपर सल्फेट या जिंक क्लोराइड वगैरह है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये पॉइजनस तो बहुत अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, लेकिन के साथ ये है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। तो जैसे ही इन्हें पानी मिलता है, ये उस लकड़ी से निकल बाहर निकलने लगते हैं, तो इनका जो पॉइजन है वो वाटर में मिल जाता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो धीरे धीरे अपने फूड चेन में चला जाता है, और फिर वो पॉइजन पहुँचाएंगे। तो एस्कू जो बनाया उसमें क्या किया कि इनमें जो जैसे कॉपर सल्फेट या जिंक क्लोराइड है या आर्सेनिक है, इनको मिला दिया। उसके साथ साथ उसमें ऐसे एल्कलॉइड या ऐसे ऐसी चीज़ें भी मिला दी जो इनके साथ जुड़ करके इन्हें आसानी से वाटर के साथ लीच नहीं होने देती, वो एक टाइप से परमानेंसी दे देती है, इसलिए वो थोड़ा फेमस हो गया।
अब इसमें कौन सा कितना कंटेंट है आईएफएस वालों को ध्यान नहीं देने का, राजस्थान वाले देख लें। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज वही है कि वाटर सॉल्युबल है, तो एडवांटेज ये है कि इसे आसानी से किसी भी लकड़ी के अंदर इम्प्रिग्नेट किया जा सकता है, लकड़ी के अंदर उसमें फोर्सफुली डाला जा सकता है। लेकिन नेगेटिव यही है कि जैसे इन्हें मॉइस्चर मिलती है वो आसानी से वहाँ से निकल भी आते हैं। इसके बाद थर्ड देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ये है जैसे अपना इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है, इस टाइप के केमिकल के साथ ही मिलकर के इन्हें डाला जाता है। तो इनका पहले एडवांटेज क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट में ही सॉल्व होते हैं, ये वाटर या ऑयल में नहीं होते हैं, तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आसानी से उस लकड़ी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है। अब अपने ये तो देख लिया कि वुड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, एक आइडियल वुड प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए और वुड प्रिजर्वेटिव के टाइप समझ लिए। लेकिन अब ये वुड प्रिजर्वेटिव जो है, यानी कि जो केमिकल होना है, वो आपको वुड के ऊपर लगाना भी तो है, तभी तो वुड को प्रिजर्व करोगे। तो अब लगाते कैसे हो, एक तो अपना बहुत सा कॉमन सा तरीका है जो अपन हर दिवाली पे यूज करते हैं, कि जो भी आपकी टिम्बर है उसके बाहर से पोत देते हो, मतलब उसकी जो सुपरफिशियल सरफेस है, यानी कि जो उसकी आउटर सरफेस है, उस पर पोत देते हो। तो जब इंसेक्ट बाहर पर ही अटैक नहीं कर पाएगा तो अंदर तक कैसे पहुँचेगा। लेकिन इसके साथ निगेटिव ये, मतलब एडवांटेज ये कि ये सुपरफिशियल जो ट्रीटमेंट है ये बहुत आसान होता है, जब चाहो तब लगा दो। दूसरा, ये कहीं डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें दिखता है, लगाना आसान है, एप्लीकेशन है, अगर कोई डैमेज या कोई इफेक्ट पड़ता है तो हमें सुपरविजन बहुत आसान होता है। लेकिन निगेटिव ये होता है कि अक्सर ये डैमेज हो जाता है क्योंकि सीधे बाहर ही होती है। अगर लकड़ी में कहीं ये क्रैक आ गया तो ये पूरी सरफेस पे लगाओ, लेकिन वो क्रैक ने इसको काम बिगाड़ दिया, क्योंकि वो क्रैक कहीं ना कहीं इंसेक्ट फंजाई के लिए स्पेस प्रोवाइड कर दिया। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं, ये बोलते हैं सोकिंग और डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब आपने जो केमिकल आपको ट्रीटमेंट देना है, आप चाहते हो कि लकड़ी केवल बाहर से ही नहीं हो, उसको अंदर से भी केमिकल सोक करके मजबूत हो, तो क्या करते हो कि केमिकल को एक तालाब, मतलब ये जो आपने पॉइंट सा बनाया उसमें भर दिया पानी में, और लकड़ी को लेकर के उसमें डुबा दिया। तो आपने क्या किया कि लकड़ी को पहले तो धूप में अच्छी तरह से सुखा ली, 2-4 महीने से सुखा रहे थे, तो मॉइस्चर उसकी लॉस हो गई थी। अब उसी लकड़ी को इसमें डालोगे तो लकड़ी क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, और उसके साथ साथ क्या करेगी, केमिकल को एब्जॉर्ब। तो अब जब केमिकल एब्जॉर्ब कर लेगी तो केमिकल अंदर तक चला जाएगा, 2-3 दिन इसमें पड़ी रहने के बाद लकड़ी को निकाल करके फिर धूप में सुखा दोगे, तो फिर क्या होगा, मॉइस्चर उसका उड़ जाएगा और केमिकल उसके अंदर रह गया। अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 2 महीने सुखाने के बाद फिर लकड़ी को एक बार फिर डाल दोगे, तो फिर डालोगे तो फिर और एब्जॉर्ब करेगा पानी, उसके साथ और केमिकल जाएगा। तो ऐसे 2-3 बार प्रोसेस में काम हो जाता है। अगर आपको इमरजेंसी है तो वो चैम्बर यूज कर लोगे, जो अपने लास्ट में जो एक वैक्यूम चैम्बर जो बनाया था। तीसरा है, कुछ लोग थोड़ा जल्दी रहते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो आप डिफ्यूजन जो तालाब में नहा रहे हो उसे, ये थोड़ा काम नहीं करता, एक काम करो हम केमिकल रखेंगे, उसमें लकड़ी को डालेंगे और नीचे आग लगा देंगे जिससे उसे बॉइल्ड कर देंगे। तो ये हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस है, इसमें उसमें ऊपर में गर्म किया, बाद में उसे ठंडा कर देते हैं, फिर गर्म किया फिर ठंडा कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि देखो जब हीट अप होती है तो वुड के अंदर भी हीट पहुँचेगी, तो हीट अप होगी तो जो वाटर है वो हीट अप होगा, गैस फॉर्म में बनेगा। इसका रिजल्ट होगा कि जब वुड के अंदर का वाटर एक्सपेंड होगा तो वाटर बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा तो जब ठंडा करोगे तो बाहर का वाटर फिर वापस अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब बाहर का जब अंदर जाएगा तो उसके अपने साथ क्या लेके जाएगा, केमिकल। तो इस टाइप से आप ट्रीट कर लेते हो हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस में। इसके साथ साथ और कौन सी प्रोसेस है, अपना प्रेशर प्रोसेस अपन कर ही चुके हैं जब आपको जल्दी हो, और इन सब में जो सबसे फेमस है वो है पाउचरी प्रोसेस। पाउचरी में करते क्या है, ये इम्पोर्टेंट भी और थोड़ा आसान भी है। इसमें क्या करते हैं कि एक सिलेंडर लेते हैं, ये जो सिलेंडर लिया इसमें आपको जो केमिकल था पानी, या आपका जिस टाइप का भी है, ऑर्गेनिक टाइप का तो ऑर्गेनिक के साथ, या जनरली आप वाटर सॉल्युबल टाइप का लेते हैं तो इसमें वाटर ले लिया और उसमें घोल दिया आपने केमिकल।
और इसमें एक साइड से जैसे अपना जो एयर प्रेशर बनाते हैं ना, तो वो प्रेशर टाइप का इस सिलेंडर में भर दिया जाता है। इस सिलेंडर से छोटे छोटे पाइप जुड़े होते हैं, और ये जो पाइप है ये जैसे बम्बू है, बम्बू की एक साइड पे ये पाइप से बांध दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जब आप इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो सिलेंडर प्रेशर के साथ केमिकल को जाएगा, और केमिकल कहाँ जाएगा, इस टोटी के थ्रू। ये बम्बू को एक साइड से तो आपने बंद कर रखा है, तो ये प्रेशर के साथ, एयर प्रेशर के साथ जो आपका केमिकल या लिक्विड सॉल्यूशन था वो बम्बू में एक साइड से फिलअप होना शुरू हो गया। अब अगर बम्बू में नोड वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो ये जो प्रोस केमिकल है वो फोर्सफुली एक साइड से निकलता रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो अगले 20-25 मिनट बाद क्या होगा कि इस बम्बू के पोल का जो दूसरा एंड होगा ये केमिकल वहाँ तक पहुँच जाएगा। 15-20 मिनट ले लेता है आराम से। इस दौरान इसने किया क्या होगा, जब इधर से केमिकल ट्रीटेड वाटर गया होगा तो ये रिप्लेस करेगा उसके अंदर के खुद के पानी को, और पहले तो उस दूसरे एंड से इसके अंदर का पानी निकलेगा, बाद में जब ये केमिकल ट्रीटेड वाटर उधर निकलने लगेगा तो अपन मान लेते हैं कि चलो ट्रीटेड हो गया। तो ये है बाउचरी प्रोसेस। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अपन ने वुड को सुखा लिया था, उसके ऊपर पेंट कर लिया। अब होता क्या कि जो प्लाईवुड या इंडस्ट्री है ये वुड से अलग थोड़ा आ जाते हैं, तो प्लाईवुड वालों की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो इन्हें देख लेते हैं। तो पहला इशू क्या है कि जब अपन लकड़ी को काटते हैं या किसी भी जो लॉग है उसे काटते हैं, तो अपन को तो एक स्पेसिफिक साइज के ही भट्टे चाहिए, लेकिन क्या टिम्बर से वो हमेशा उसी साइज के मिलते हैं, ऐसा होता नहीं है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये तो वो साइज के भट्टे हैं, या हमने जो भी प्लाई है तो वो ये वो प्लाई है जो अपने जो स्पेसिफिक साइज चाहिए था वो मिल गया, लेकिन बकाया की तो ये वुड रहेगी। इससे क्या मिलेगा अपन को, कुछ छोटे छोटे साइज के मिलेंगे, कुछ और छोटे मिलेंगे, और कुछ लास्ट में बुरादा टाइप का मिल जाता है। ठीक है, मतलब सॉडस्ट मिल गई और जो चिप्स जो है वो मिल जाती है। तो अब इशू ये है कि इंडिया में जहाँ पहले से ही हमारे पास वुड कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई पहले से कम है, तो ये जो इस टाइप का जो सॉडस्ट और चिप्स जो बच रही हैं, जो बर्बाद हो रही हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, इन्हें जस्ट केवल आग जलाने के काम में करते हैं, तो इसको कहीं यूज किया जा सकता है क्या, तो उसका इशू आता है। तो उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो कंपोजिट वुड टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी वुड जो किसी के कंपोजिशन से बनाई जाए, मतलब ऐसी वुड जो लकड़ी तो है ही, इसके साथ साथ आपने अदर चीज़ें चाहे मेटल हो चाहे प्लास्टिक हो, उनकी हेल्प से अदर चीज़ों को भी मिला करके आपने एक नई टाइप की लकड़ी की स्ट्रक्चर बनाई है। मतलब एक तो लकड़ी की स्ट्रक्चर आपकी ये नेचुरल रहती है वुड, लेकिन ये तो हर जगह नहीं है ना, तो एक आप इसी टाइप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं दूसरी चीज़ों को जोड़ जोड़ के, जिसमें आपकी लकड़ी तो है ही उसके साथ साथ अदर चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट वुड। अब कंपोजिट वुड में जनरली छह चीज़ें आती हैं, उन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहली आती है जैसे अपनी प्लाईवुड है, वो कंपोजिट वुड है। अब इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। अब पहला मुद्दा आता है प्लाईवुड। आपने प्लाईवुड देखी होगी, जनरली इस टाइप की होंगी जहाँ पर ये छोटी छोटी जो प्लाई होती है, मतलब छोटी छोटी जो लेयर होती हैं इनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आउटर सरफेस की है, बाहर की साइड और जो इस साइड की जो प्लाई होगी, क्योंकि ये बाहर का पार्ट होते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं फेस, और जो सेंट्रल पार्ट की जो प्लाई होती है इन्हें बोलते हैं कोर। तो आपको पता है कि बाहर दोनों साइड हो गई फेस, और बीच की जो प्लाई होंगी यानी कि जो बीच की जो लेमिना लेयर लेयर स्ट्रक्चर होंगी उन्हें बोलेंगे कोर। इसके साथ आपको और क्या ध्यान देना है, आप इसमें ध्यान दोगे कि जो प्लाई है यानी कि जो लेयर्स हैं इसमें, जो सपोज जो पहले अगर हम आउटर सरफेस की देख लें, तो इसके जो ग्रेन है यानी कि फाइबर की जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप की होगी फर्स्ट की, जबकि सेकंड वाले की होगी इस टाइप की।
थर्ड वाले की फिर इस टाइप के ग्रैंड में होंगी, चौथा इस टाइप की। तो इनके जो ग्रैंड का अरेंजमेंट होगा वो एक दूसरे से क्रिस क्रॉस 90 डिग्री पे होता है। इससे क्या होता है बेनिफिट कि अगर ये प्लाईवुड में बाय चांस कोई मॉइस्चर रह भी गई होगी और ये प्लाईवुड सूखेगी, तो ये ऐसा नहीं कि एक ही डायमेंशन से सूखेगी, ये 2D में दोनों डायमेंशन से सूखेगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि प्लाईवुड स्टेबल बनी रहेगी। दूसरा ये उसे फाइबर, क्योंकि क्रिस क्रॉस है तो इससे फाइबर स्टेबिलिटी ज़्यादा दे देते हैं प्लाईवुड को, ठीक है। तीसरी बात जो याद रखनी है कि इसमें प्लाई यानी कि जो लेयर्स है वो हमेशा ऑड नंबर में होगी। आप वैसे भी समझ लो, मान के चलो बहुत सस्ती वाली गरीब आदमी की प्लाई है तो उसने एक फेस रखी बाहर की साइड, एक फेस रखा अंदर की साइड और एक बीच में को रख दिया, तो हो गई ऑड नंबर। तो इसमें जनरली चार ही टर्म याद रखना होता है, फेस, कोर, ऑड नंबर और ग्रैने होते हैं, वो क्रॉस क्रॉस होते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर ये प्लाई मतलब ये लेयर कैसे बनाते हैं, ये तो इसके लिए कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो के साथ नीचे कंटेंट में आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगा, दूसरा वीडियो है जिसकी लिंक दी है, तो एक बार आप उस पर क्लिक करके देख लें, क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है तो मैं उसी इसमें नहीं जोड़ सकता साथ में, बट आप उसे वहाँ देख लें, दो तीन मिनट का रहेगा। बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो ये है क्या, सबसे पहले आपके पास पेड़ होते हैं, पेड़ों को आप लॉग बना लेते हो, ठीक है। अब लॉग को गोल गोल घुमा के, जैसे ये लॉग है इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करके, जैसे आलू की चिप्स नहीं बनाते हो तो इसी के हम पतली पतली चिप्स टाइप की बना लेते हैं, और जो चिप्स जैसी छील लेते हैं वही हो गई इसकी, जैसे बार्क निकाल लेते हो तो वैसे ही पहले हम इसको थोड़ा गीला करते हैं, मतलब केमिकल वगैरह ट्रीटेड पहले से होती है, और ये जो वुड होती है वो हल्की मॉइस्ट होती है जिससे फाइबर आसानी से ब्रेक ना हो, एक साथ निकले स्लाइस जैसा, और फिर हम उसे ब्लेड से स्लाइस टाइप की काट लेते हैं। इस टाइप से हम प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, तो पहला आपको समझ में आ गया कि प्लाईवुड क्या होती है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे को बोलते हैं लैमिनेटेड वुड। लैमिनेटेड मतलब लैमिना मतलब लेयर, ये क्या होती है। देखो इसमें क्या करते हैं, एक मोटा सा फट्टा जो अपना होता है वो तो ये रहा अंदर, इसे बोल देते हैं इसे भी कोर। जो प्लाईवुड की जो पतली जो लेयर होती है लैमिना, वो केवल एक बाहर होगी और एक अंदर होगी। तो ये जो अपना फट्टा है ये कौन सा है, ये जो अपने जब अपना जो मैन स्टेम था, जिसे अपने मैन लॉक को जिसे काटा था, तो मैंने बोला था कि बीच के जो फट्टे होते हैं वो वही है जो अपने जो डिमांड ये जिस साइज के चाहिए वो उसी साइज शेप के निकल आते हैं मोटे मोटे। तो ये तो पहले क्या करते थे कि ये जो मैन जो अपने लॉग निकालते थे, मीन्स जो मैन पट्टे निकालते थे, जिन्हें फट्टा बोलते हैं या पटिया बोलते हैं, तो ये जो पहले मैन निकालते थे लोग सीधे इन्हीं के जो विंडो है डोर वगैरह वो सीधे डायरेक्ट इन्हीं के बनाते थे, लेकिन क्योंकि आजकल फैशनेबल चाहिए तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक लेयर बाहर से एक लेयर अंदर से, तो इसलिए इन्हें बोल देते हैं लैमिनेटेड वुड। मतलब वुड जो है लेकिन उसके ऊपर लैमिना चढ़ी है, लेयर चढ़ी है। तो लैमिनेटेड वुड और प्लाईवुड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्योंकि लैमिनेटेड वुड में अंदर जो वुड है वो तो ओरिजिनल और बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो जनरली इसमें जो ग्रैन जो साइज यानी कि ग्रैन का जो पैटर्न है वो लगभग इसका भी ऐसा ही है, अंदर वाले का भी ऐसी, तो ग्रैन जो है वो आसानी से पैरेलल होते हैं तीनों के, क्योंकि अब इन तीनों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि लैमिनेटेड जो बोर्ड है इनमें जनरली दो साइड में फेस होगा, सेंटर में कोर होगा, और कोर है वो सेंटर सीधी सीधी लकड़ी का है, जबकि प्लाईवुड में क्या होगा, छोटी छोटी प्लाई होंगी और एक प्लाई दूसरी प्लाई के बीच में ग्लू से जोड़ दी जाएंगी और उनके बीच में बुरादा वगैरह भर दिया जाता है जिससे ये थोड़ी हल्की हो जाती है, ठीक है। सो लैमिनेटेड वुड के कंपेयर में जो अपनी प्लाईवुड है वो थोड़ा वेट में हल्की होती है और स्ट्रेंथ लगभग बराबर ही होती है। ओके, आपको दो बात समझ में आ गई। अब तीसरा चलते हैं कोर बोर्ड। कोर बोर्ड को समझने से पहले ये देखो, यहाँ पर जो फट्टे थे ना ये वाले, इन्हीं को तो हम यूज कर रहे थे लैमिनेटेड वुड में, ठीक है। अब कोर बोर्ड देख लेते हैं, कोर बोर्ड क्या है। देखो पहले तो अपन ये देखो कि अपन ने इस लॉग को जब काटा था तो जो अपने फट्टे निकल आए थे ये, इनसे आपने कौन सी वुड बनाई, लैमिनेटेड वुड,
क्योंकि इसको फट्टे निकाले, इसके ऊपर से लेमना चढ़ा करके लेमिनेटेड बोर्ड बन गई। लेकिन इसके साथ आपको हमेशा ऐसी लकड़ी मिले, ये ज़रूरी थोड़ी है। आपने एक तो फट्टे निकाल लिए, फट्टे के साथ साथ और इसमें काटते समय क्या मिलेंगे, थोड़े छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे हैं इनका आप लेमिनेटेड बोर्ड तो नहीं बना सकते, वैसा भी और कोई यूज नहीं हो पाता इनका, तो इनका क्या करोगे। तो इनका जो यूज करना है हमें, वो हम यूज करते हैं कोर बोर्ड बनाने में। तीसरा और क्या मिलेगा आपको, कुछ और पतले पतले छोटे से होते हैं जिन्हें अपन बोल देते हैं वुड स्क्रैप, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और मिल जाती है जो लास्ट में बुरादा सा पाउडर फाइबर वगैरह निकलता है वो। तो जब आप किसी एक लॉक को काटते हो तो ऐसे आपको लगभग चार प्रोडक्ट मिल जाते हैं बेसिकली। तो जो पहला नंबर का प्रोडक्ट मिला, इससे आपने जो वुड बनाई उसे बोल दिया आपने लैमिनेटेड वुड, लैमिनेटेड वुड। अब आप जो दूसरा बना रहे हो कोर बोर्ड, वो क्या है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसमें जो वुड स्क्रैप था, ठीक है ना, वुड स्क्रैप का क्या यूज करते हो कि ये तो वैसे तो बर्बाद हो गया। पहले के ज़माने में क्या ये फेंक दिया जाता था या आग जलाने के काम आती थी, लेकिन क्योंकि लकड़ी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, तो क्या करो कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये एक्चुअली फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें एक काम करो, इन्हें आपस में चिपका दो, किससे, ग्लू से आपस में चिपका के एक बड़ा सा फट्टा बनाएंगे इनका, चिपका चिपका के, ठीक है। एक बार जब इन्हें चिपका दिया तो सपोर्ट के लिए एक बाहर से हम कवर लगा देंगे, एक अंदर से कवर लगा दिया, एक इधर से कवर एक इधर से कवर, जिससे इनके अंदर का ग्लू गीला ना हो पाए या वो घुल के न निकल पाए। तो इस टाइप से तुमने ये चिपका चिपका करके एक बोर्ड बना दिया, तो इसे हम बोलते हैं कोर बोर्ड। लैमिनेटेड बोर्ड और कोर बोर्ड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। लैमिनेटेड में अपन मैन फट्टे यूज कर रहे थे, कोर बोर्ड में ये छोटे छोटे जो वुड थी उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन तीन हो गए, एक अपना प्लाई बोर्ड, दूसरा लैमिनेटेड बोर्ड और तीसरा कोर बोर्ड। अब चौथा देखते हैं सैंडविच बोर्ड, इसे देखते हैं। तो जैसे अपन ने इसे काटा था, इससे पहले वाले से आपने क्या बनाया था, लैमिनेटेड बोर्ड, वुड स्क्रैप से बनाया कोर बोर्ड। अभी अपन इसको निपटाएंगे, ये भी तो बर्बाद ही हो रहा था, इसका भी तो मार्केट वैल्यू तो पहले थी नहीं, इवन ब्रिटिश टाइम पे तो ये भी जलाया जाता था। तो एक काम करो, इसको जोड़ जोड़ करके आपस में इस टाइप की लकड़ी बना दो, फट्टे बना दो। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं सैंडविच बोर्ड। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो, या तो ऐसे समझ लो कि मैकडोनाल्ड के जो सैंडविच बेचते हैं ना, मैकडोनाल्ड वालों ने इसी टाइप के नोटिस बोर्ड बना रखे होते हैं अपने यहाँ कि भाई आओ यहाँ पर ये ऑफर चल रहा है फलाने दिखाना। या फिर ये कैसे सैंडविच में जैसे लेयर लेयर होती हैं, यहाँ पर भी इन्होंने ये फट्टे इसी टाइप से हैं, एक ये हो गया, उसके ऊपर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इन्हें आपस में कीले और गम के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है, सैंडविच बोर्ड, ठीक है। आपने क्या पढ़ लिया, चार बोर्ड हो गए आपके, सैंडविच कोर और लैमिनेटेड, तीन तो सीधे सीधे निकल गए। अब अभी आपने क्या क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, अभी आपकी सौ डस्ट बची थी। पहले तो ये 100% जलाने के काम में होती थी, इवन 10-12 साल पहले भी इसे दर यूज करते थे। अब क्योंकि वुड की डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो सौ डस्ट बच रही है, फाइबर तो इसमें भी दर है, तो यानी कि ये पार्टिकल पार्टिकल है ना, तो एक काम करो कि ग्लू का एक पेस्ट लेते हैं और उस पेस्ट में इन्हें मिला करके इन्हें उसका एक सॉल्यूशन बना के जमा देते हैं, जैसे बर्फ़ी जमा देते हो, और सूखने के बाद क्या होगा, एक स्ट्रक्चर टाइप की बना लेंगे ये, तो वो क्या होगी, उसे बोलते हैं हम पार्टिकल बोर्ड। अब पार्टिकल बोर्ड की जो पार्टिकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हम लेयर चढ़ा देंगे, लेमिना ऊपर बना चढ़ा देंगे और एक नीचे की तरफ चढ़ा देंगे, तो इस टाइप से एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर, तो एक टाइप से प्रोटेक्टेड हो जाती है। ये आप कहाँ मिलोगे, जनरली ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पर ये पार्टिकल बोर्ड ना मिल रहे हो, क्योंकि ये सॉ डस्ट से बना रहे हो। तो सबसे सस्ते जो टेबल चेयर मिलते हैं, क्योंकि हल्की है, सेंट्रल पार्ट नहीं है, फाइबर है, तो इनके बीच में स्पेस बहुत होता है, एयर स्पेस,
तो इससे एक तो ये हल्के होते हैं, दूसरा क्योंकि ये सबसे जो लास्ट का वुड वेस्टेज है जिसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी उससे बनाया जा रहा है, तो सबसे सस्ते भी यही होते हैं। तो अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में हो, किसी में हो, तो जिस टेबल चेयर पे आप बैठे हो 99% आप पार्टिकल बोर्ड पे बैठे हो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, हल्के भी होते हैं और सस्ते भी। अब मुद्दा आता है फाइबर बोर्ड का, ये क्या है? तो देखो ये है आपका पेड़, सपोज बम्बू ले लो, तो बम्बू में क्या फाइबर है, आपने फाइबर निकाल लिए। अब फाइबर को ऐसे समझ लो जैसे आपकी मैगी बनाते हो, अब मैगी जैसे फाइबरों को उसमें ग्लू के साथ सॉल्यूशन में मिक्स करके मैगी को ही मान लो, उसे अच्छी तरीके से प्रेसराइज करके दबा के एक बोर्ड टाइप की बर्फी जैसी जमा दोगे, तो क्या होगा, कोई भी बोर्ड है वो उसकी स्ट्रेंथ किस पर होती है, फाइबर पर। तो पहले ही जो बोर्ड होती है, जो आपकी मेन लकड़ी थी, फट्टे थे लकड़ी के, उनकी स्ट्रेंथ फाइबर पर टिकी थी, उसमें फाइबर के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी थी, यहाँ तो आप प्योर फाइबर ही यूज कर रहे हो, तो जो फाइबर बोर्ड है वो आपकी एक्चुअली मेन जो बोर्ड है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। पर ये प्रोसेसिंग वगैरह का काम एक इशू होता है इसमें, तो यहाँ पर अपना जो वुड वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर जो कंपोजिट वुड थे उसमें अपने 6 टाइप की चीज़ें पढ़ ली। पहली अपन ने पढ़ ली प्लाईवुड, लैमिनेटेड बोर्ड, कोर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड और कंपोजिट बोर्ड, सैंडविच बोर्ड, ठीक है। कंपोजिट के 6 टाइप हो गए। अब यहाँ ये तो वो है कि जहाँ आपकी जब डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी तो आपने काम चला के अदर टाइप की वुड जोड़ जाड़ के, मतलब लकड़ी की छोटे चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ी सी वुड स्ट्रक्चर बना ली और उसे आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, ये तो एक एस्पेक्ट रहा इसका। दूसरा एस्पेक्ट है कि मैं डिफेंस में हूँ तो मुझे एक अलग टाइप की ऐसी वुड की रिक्वायरमेंट है जो आसानी से आग ना पकड़े, हीट अप ना हो। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस टाइप की कोई ट्री है लकड़ी प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास जो वुड है उसको एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाए। तो इस टाइप का कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्रीटमेंट देना वुड को, इसे बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड, यानी कि वुड की जो क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी या स्ट्रेंथ है उसे आप इम्प्रूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डायमेंशन जो उसके, उसे स्टेबिलिटी ज़्यादा दे रहे हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आपको वहाँ पर डेंसिटी की ज़रूरत है, यानी कि हैवी प्रेशर में काम कर रहे हो, ऐसी जगह है जहाँ पर वुड बहुत हैवी प्रेशर में काम करती है, तो वहाँ उसकी डेंसिटी को स्ट्रेंथ कराओगे, ठीक है। और इस टाइप से कुल मिला के उसकी जो एडवर्स कंडीशन में या हार्श कंडीशन में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में जो वर्क करने की जो एबिलिटी है वो वुड की बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्प्रूव किया ना आपने उसकी क्वालिटी को, तो इसलिए हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड वुड या मॉडिफाइड वुड। अब आप ये मॉडिफाइड या इम्प्रूव कैसे करोगे, उसको कुछ टाइप के ट्रीटमेंट देंगे, या तो आप उसको कोई स्पेसिफिक टाइप के केमिकल उसके अंदर फिलअप करोगे जो उसके फाइबर को एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रेंथ दें या एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी दें। जैसे पहले होता है उसका नाम बोलते हैं अपन, पहले टाइप में पहला है इम्प्रिग्नेटेड वुड। इम्प्रिग्नेशन क्या क्या मतलब होता है, जो बाउचरी है वो तो एक टाइप का इम्प्रिग्नेशन ही है, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक केमिकल को वुड के अंदर इम्प्रैग कर रहे हो, फिलअप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप वैक्स यानी कि पैराफिन वैक्स या नॉर्मल वैक्स को किसी वुड के अंदर इम्प्रैग कर देते हो, इससे क्या होगा, वुड की जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की भी क्वालिटी होगी, मतलब वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करती थी एक्चुअली, तो उसका जो एडजॉर्ब करने की क्वालिटी थी वो लगभग ख़त्म कर दी आपने। तो अब वुड को आप ऐसी जगह जो वाटर से कॉन्टैक्ट में है वहाँ पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जब भी कभी कोई मूवी या पिक्चरों में अपन देखते हैं तो अक्सर वेस्टर्न में क्या होता है, कुछ समुद्र के किनारे जो बहुत सारे या बोट होती है कायकिंग करते हैं या फिशिंग करने जाते हैं, तो ये एक छोटे छोटे से ब्रिज टाइप के बना देते हैं, वो लकड़ी के होते हैं, तो वो सब इम्प्रिग्नेटेड बोट होते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें के बाहर कितना भी पानी हो वुड उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, ये है कंप्रेस्ड वुड। कंप्रेस्ड का मतलब कंप्रेस प्रेशराइज करना,
तो आपने क्या किया, वुड को हैवी प्रेशर, वो चैम्बर जो था ना वैक्यूम चैम्बर टाइप का, इस टाइप के चैम्बर में डाल करके उसे बहुत तेज बहुत प्रेशराइज कर दिया। इस प्रेशराइज करने से दो बेनिफिट पड़े। पहला क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वुड के ऊपर जो वुड है जो है उसकी एक्चुअल डायमेंशन से वो थोड़ी सिकुड़ जाती है हैवी प्रेशर की वजह से। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसका डेंसिटी बढ़ जाती है, पहली बात। स्ट्रेंथ तो वही रही लेकिन साइज अब कम हो गया, मतलब छोटे साइज में उससे बड़े साइज की स्ट्रेंथ। तो ये प्रेशर जो कंप्रेस्ड वुड है इसमें ये बेनिफिट पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा कंप्रेशन क्या हुआ, अपने वही है इम्प्रेगनेट जैसे कुछ केमिकल वगैरह डाल दिया उसमें तो ये थोड़ी हेल्प कर देते हैं उसे और बढ़ाने में। तीसरा है कंप्रेगनेटेड वुड। कंप्रेगनेटेड का मतलब क्या है, जिसमें इम्प्रेगनेशन और कंप्रेशन दोनों किया गया। जो मैंने अभी बोला कि इम्प्रेगनेटेड मतलब आपने केमिकल अंदर फिलअप किया, कंप्रेस का मतलब आपने बाहर से प्रेशराइज करके वुड का साइज छोटा कर दिया, लेकिन कंप्रेगनेटेड मतलब आप बाहर से प्रेशराइज करके प्रेशर भी दे रहे हो उसे और उसके अंदर केमिकल को फिलअप भी कर रहे हैं, तो ये हो गए कंप्रेगनेटेड वुड। इसके साथ एक और आती है, दो बची है। एक है हीट स्टेबलाइज्ड वुड। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जैसी आग मिलेगी जो लकड़ी है वो जनरली आग पकड़ लेती है, हीट अप हो जाती है। तो कोई भी वुड हीट कैसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके आउटर सरफेस, अंदर की तो पकड़ेगी नहीं ना एकदम, सबसे पहले तो हीट जो है कॉन्टैक्ट में आती है उसकी आउटर सरफेस बाउंड्री पे ही आती है। तो बाउंड्री की जो सेल्स है उनकी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी है जो उस थोड़ी सी भी हीट में फ्लेम मतलब थोड़ा आग जल्दी पकड़ लेती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा साल्ट और मेटल वगैरह को इस टाइप से बर्न से निकालेंगे, इसे इतने इस टाइप के हीटअप सिस्टम से निकालते हैं कि जो उसके जो आउटर स्ट्रक्चर की जो केमिकल है वो केमिकली चेंज हो जाते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि अब ये लकड़ी आसानी से हीट नहीं पकड़ती। इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसी जगह जहाँ लकड़ी का तो यूज़ किया जाता है लेकिन जो फायर फाइटिंग के सिस्टम है वहाँ पर, या फिर एयरप्लेन है या हमारे जो शिपिंग है उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ बीच में और आग पकड़ दी तो सबको मारने ही है, वहाँ पर कौन सा सिस्टम है बचाने का, अगर पानी से कूद गए तो मछलियाँ खा जाएंगी। तो ये हीट स्टेबलाइज्ड फूड। लास्ट और बचती है केमिकली मॉडिफाइड फूड। इसमें क्या करते हैं, वह सेम वही है जो इम्प्रेगनेशन करते हैं, वही है कि कोई वुड है उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, उस केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो या तो पानी के साथ सपोज हाइड्रोफोबिक है, पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो वो हाइड्रोफोबिक है ओएच उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो केमिकल है या उसकी सेल वॉल है, सेल वॉल में जो सेलुलोज या लिग्निन है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में ओएच ग्रुप है, तो हम इस टाइप का केमिकल ट्रीट देंगे कि वो ओएच ग्रुप ही रिप्लेस कर दें। उसका रिजल्ट होगा कि वो जो पानी को एब्जॉर्व करती है वो करना बंद कर देगी, या किसी स्पेसिफिक केमिकल से रिएक्शन करती थी वो केमिकल से रिएक्शन करना बंद कर देगी। इसका बेनिफिट क्या, सपोज कोई हम बैटरी सिस्टम बना रहे हैं और बैटरी सिस्टम में जो लकड़ी की हम बैटरी का चैम्बर बना रहे हैं, तो वो चैम्बर की जो लकड़ी है वो उस केमिकल से रिएक्शन ना करें, ऐसी हमें वुड बनानी पड़ेगी। या फिर हम सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर कोई टाइप की चीज़ है तो हम ये चाहते हैं कि इस टाइप के जो केमिकल रखे जाएँ उसके लिए वो केमिकल के साथ ये वुड रिएक्ट ना करें, क्योंकि मेटल रिएक्ट कर जाएगा, लकड़ी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये हम केमिकल मॉडिफाइड वुड वगैरह यहाँ यूज कर लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो देखो ये इम्पोर्टेंस तो ये है कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस पर आ ही गया है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये रट्टा मार चैप्टर है, दर बड़ा है। तो अगर आपने इसे पहले से पढ़ रखा है तो वेल डन। इसमें से आपको जैसे गम है, रेजन है, इनके चार चार पाँच पाँच नाम याद रखे हैं तो बहुत अच्छी बात, अच्छा है, उन्हें करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ईयर वालों को तो करना ही करना है, लेकिन इस साल के हैं जिनने इसे नहीं कर पाया या नहीं याद हो पाया, क्योंकि इनके साइंटिफिक नेम होते हैं और वो आसानी से याद नहीं होते, तो बेटर है कि वो उस पार्ट को थोड़ा लेफ्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ओके, यहाँ अपने ये पार्ट कंप्लीट।